नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वीकेंड चर्चा में आपका स्वागत है। देश में चुनावी माहौल है, जहां यूपी की राजनीति जाति धर्म की भेंट चढ़ने के लिए मशहूर है, तो वहीं इस बार चुनावी विकास के मुद्दे पर करने की बात कही जा रही है। सभी दल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। मुद्दे तो कई सारे हैं, जिसमें से कुछ मीडिया द्वारा उठाए जाते हैं तो कुछ दबे ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है बेरोजगारी, जिसे विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, तो हम इस मुद्दे पर कैसे बात न करते। युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, जिसके लिए कई युवा संघर्ष कर रहे हैं, कई तो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, कई कोविड में अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो युवा है वो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि बेरोजगार आखिर क्यों है इंसान। रोजगार की जरूरत है सभी को। जो पहले से रोजगार पा रखे थे वो अपना रोजगार खो चुके हैं और लगातार बेरोजगारी की तरफ युवा बढ़ रहे हैं। जो छात्र हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहे हैं। जब तक एग्जाम नहीं होंगे तो उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी, कई सवाल है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सरकार का कहना है कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे जो छात्र हैं, कई ऐसे पात्र हैं, वो अभी भी अपनी रोजगार के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर की बात करें तो अक्टूबर महीने में 7.75% बढ़ी है। CMI के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर में 7.75% बढ़ गई है, जो कि एक महीने पहले 6.86% थी। यानी कि कोरोना, जब हम कह रहे हैं कि कोरोना कम हो गया है, उसके बावजूद जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती जा रही है। फेस्टिव सीजन के दौरान रिटेल ट्रेड इंडस्ट्री में रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। हालांकि बाजार में भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार की कमी देखने को मिल रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी मौजूद हैं और सपा से जावेद अहमद जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमने जो ये मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, तो उसका सवाल सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से करेंगे, यानी बीजेपी से। तो अश्विनी जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों बेरोजगारी दर फिर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? उसमें मायना रखती है जी। लेकिन अगर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद जो रोजगार के उसमें काम किया, आने वाले 2-3 सरकारों की तुलना अगर कर ली जाए, तो पहले बहुजन समाज पार्टी की देखिए तो 1 लाख भी नौकरियां वो लोग नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी ने 2 लाख के आसपास नौकरियां दिया और हम लोगों ने इस समय 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दिया और संविदा पर 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख के आसपास हम लोगों ने दिया और अभी भी रोजगार की प्रक्रिया चल रही है जी। 2 साल इसमें कोरोना के रहे, उसमें भी हम लोगों ने भर्तियां नहीं रोकी, जिसकी सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर चुके हैं। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को सराहा है। चूंकि देखिए 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इसमें लोक सेवा आयोग की किस तरीके से साख गिर गई थी, किस तरीके से व्यवस्थित भर्तियां जो है नहीं कर रहे थे ये लोग, और लूट का केंद्र और एक जाति विशेष वर्ग विशेष की भर्ती पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। उसमें नाम लेने में मैं गुरेज नहीं करूंगा, अनिल यादव का नाम भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा उजागर हुआ था। दूसरी भर्ती उस समय जल निगम की बहुत बड़ी भर्ती निकली थी, जिसमें आजम खां मंत्री थे, 1300 अभियंताओं की भर्ती देखिए फर्जी कर दिया उन लोगों ने, बाद में जांच में सभी भर्ती फर्जी पाई गई, उसको निरस्त करके आगे करने का काम किया गया।
जी, तो इतिहास उत्तर तो प्रदेश आपने सरकार बता ने ही करोना दिया। में, जी, तो अभी वर्तमान पे आते हैं और जावेद अहमद जी मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्या आप इससे सहमत हैं कि बेरोजगारी को कम किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से आंकड़े बताए हैं अश्विनी जी ने, और सपा इस बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? जब इतने रोजगार दिए जा रहे हैं तो उसके बाद भी सपा कह रही है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, मैं तो इन्हीं के आंकड़ों पे बात कर लूंगा। जी, आप जब 2017 में चुनाव लड़ने आए थे तो आपने 14 लाख लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। आप लगातार ढिंढोरा पीटते रहे, आपने किस विभाग की भर्ती को पूरी किया है, कितनी भर्तियों को आपने निरस्त किया है, और कितने चयनित अभ्यर्थियों पर पिछले 1.5 वर्षों से इसी लखनऊ की सड़कों पर सरकार की पुलिस लाठियां भांज रही है, जो बहन बेटियां हैं उनके साथ अभद्रता कर रही है, पुरुष सिपाही जो है वो किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, तो सबने देखा। आप बता दीजिए, 35,568 पुलिस सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी आज तक ज्वाइनिंग छोड़ दीजिए, उनका मेडिकल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आप जो आंकड़े दे रहे हैं, जो चयन है, आप वो सब जोड़ कर दे रहे हैं। आप मनरेगा भी, उसमें संविदा की नौकरी भी जोड़ कर दे रहे हैं। आप बताइए कि सहायक शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़े वर्ग का अधिकार मार लिया, जो स्कूल आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के कुल 3.25% लोगों को आपने उनको नियुक्ति दी, ये तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई, जिसको सरकार ने सिरे से नकार देने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार का है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जातिवाद का बड़ा गंभीर आरोप लगाने वाले बांदा के कृषि विश्वविद्यालय को देख ले कि किस तरीके से 15 पदों पर 12-14 लोग एक ही जात विशेष के भर्ती कर दिए गए, क्या सारी योग्यता वहीं पर सीमित हो गई थी? ये भी एक सवाल है। जो नाम ले लेके ढिंढोरा पीटा गया लोक सेवा आयोग का, आप 4.25 वर्षों से शासन में हैं, आपने क्या किया अब तक? कितनी भर्तियां जो हैं जात विशेष की हुई? एक भी आंकड़ा आप अपना बताया हुआ जो जवानी था उसको आप कहीं जमीन पर नहीं उतार पाए। ये इस तरीके से घुमाने बताने का, आज योगी जी की सरकार इसीलिए तो अपने लोक संकल्प पत्र पर बात नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, कोरोना काल की तबाही पर बात नहीं करना चाहती। जिस CMIIE की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा, जरा उसको अंदर जाकर गंभीरता से उसका आप अध्ययन कीजिए कि क्या तबाही हुई है देश के अंदर। आप जी, ये नहीं बताते जी, कि हम कितने चाहेंगे लोगों कि आप के इसका रोजगार जवाब दीजिए, उत्तर जिस प्रदेश तरह के में सवाल उठाए मिल गए हैं रहे सपा हैं, द्वारा। ये तो बताइए, 4 लाख आपने दिया है जिसमें संविदा कर्मी है, ये 35,568 ये सड़कों पर घूम रहे हैं, लाठियां चल रही, धरना चला 6 महीने तक। सहायक शिक्षक भर्ती में आपने घोटाला कर दिया, 22,000 अभ्यर्थी अब अन्न जोड़ने की बात है, उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और 12 बंकी के बिना विज्ञापन के एक नौजवान का जो है आपने लेखपाल पद पर नियुक्ति कर दी, और मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसका बयान लेकर जो है चला देता है अपने ट्विटर पर, और जब विपक्ष सवाल करता है, समाजवादी पार्टी सवाल करती है, तो उसका वो विज्ञापन, वो वीडियो जो है मुख्यमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रिमूव करता है। तो ये झूठ विज्ञापन हुआ ही नहीं, भर्ती हो गई। तो शिखा जी, ये जो मामले हैं ये भ्रमित करने वाले मामले हैं। रोजगार कितना छीन लिया आपने, इसका तो आंकड़ा आप नहीं दे पाए। आप जरा CMIIE की रिपोर्ट को पढ़ने का काम करिए कि कितनी विचित्र स्थिति है, कितनी विभक्त स्थिति है। और रोजगार अगर आप दे चुके होते तो भाजपा के कार्यालय के बाहर और भाजपा सरकार के मंत्रियों के आवास पर लाठियां पुलिस की ना चल रही होती, जहां पर लोग रोजगार जी, बिल्कुल जावेद जी, यही तो सवाल है जिनका जवाब आज हम जानना चाहेंगे कि अगर रोजगार बढ़ा है तो वो किसका बढ़ा है? अगर रोजगार मिला है तो फिर शिक्षक भर्ती जैसी जो स्थिति देखने को मिली, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस समय स्वास्थ्य कर्मी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप जवाब दीजिए, जितने आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? शिखा जी, देखिए, मैंने जो सिलसिलेवार आपको आंकड़े बताए जी, हमारे सपा के जावेद भाई
उस तरीके से उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने आरोप ही लगाए जी। और अगर हमारे संकल्प पत्र की याद दिला रहे हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सपा सरकार में नहीं हुई है, उस पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो अगर उन्होंने मान लीजिए हमसे बेहतर काम किया था, हमसे ज्यादा नौकरियां दी थी, सरकार क्यों गई उनकी? 2 लाख नौकरियों का भी आंकड़ा वो नहीं छू पाए, ये उनके साथ है। हम तो आज 6.5 लाख की बात कर रहे हैं। और रोजगार में सिखा जी मेरे आंकड़े कुछ और बढ़ाएंगे, अभी मैं जावेद भाई को सिलसिलेवार वो भी दे रहा हूं जी। पहली बार उत्तर प्रदेश में जब 100 सालों के बाद ये कोरोना की बीमारी आई, हमारे प्रवासी भाई बहुत से भाग के आए वहां बाहर से जी। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य था जिसने सभी प्रवासी भाइयों की स्किल मैपिंग कराई, जो जहां लायक था उसको वहां पर रोजगार देने का काम, लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार हम लोगों ने उसमें दिया है जी। एमएसएमई की 50 लाख इकाइयां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है जी। स्किल डेवलपमेंट तो की आपने, एक सेकेंड अश्विनी जी, स्किल डेवलपमेंट की आपने, उनको रोजगार भी दिलाया, रोजगार दिलाने के आंकड़े तो आपने गिन लिए, लेकिन जिनको रोजगार देने के बाद वक्त बीत गया, उनको निकाल दिया गया, उनके बारे में क्या? ऐसे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कोविड आया तो उस टाइम काफी भर्तियां की गई, लेकिन जब कोविड चला गया तो कितने ही ऐसे स्वास्थ्यकर्मी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें वक्त आने पे बुलाया गया उसके बाद निकाल दिया गया, तो उनका क्या, उनके रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आज जब हम आंकड़े दे रहे हैं और जिसको भर्ती किया गया निकाल दिया गया, कुछ चीजें होती हैं जब आउटसोर्सिंग करके भर्ती होती है जी। तो हमको ये हिंदुस्तान में देखिए यही कमी है, जिसमें जिसकी सरकार होती है, अभी हम विपक्ष में बैठे हैं सपा के भाई जावेद जी, इनको वो दिखेगा कि हाँ क्या हुआ। आपने सवाल पूछा, लाजमी है, उनको रोजगार मिलना चाहिए था, मगर हिंदुस्तान एक बड़ा ही मतलब विचित्र देश है, इसमें हमारी जनसंख्या जितनी ज्यादा है उसमें अगर हमको कुछ काम कहीं मिलता है तो उसको हम ये समझ लेते हैं कि चलो भाई हम अब जीवन भर हमारा गुजारा पान खाकर थूकते हुए चलेगा। जो लोग काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम, जरूरत पड़ी संविदा पर रखा गया उनको संविदा पर रखा जाता है 11 महीने की, उनसे वो एग्रीमेंट कराया जाता है, 11 महीने के बाद उनका अधिकार नहीं है कि वो रहे या उसको निकाल दिए जाए। जो लोग काम लायक होते हैं उन विभागों में उनको उनका संविदा आगे बढ़ाया जाता है। मैं तो कई मतलब कम से कम सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो लगभग 10 से 15 साल से वो काम कर रहे हैं, जो पीछे से संविदा पर चली आ रही भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, 15 साल से हमारी सरकार नहीं रही जी। लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ जी, हम लोग जो रोजगार सरकार ने दिया है, तो हम अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो हमने अगर 6.5 लाख रोजगार दिया तो हम कह रहे हैं, 2 करोड़ के आसपास हमने एमएसएमई में दिया है तो हम कह रहे हैं जी। मनरेगा में जो रोजगार नहीं पाते थे लोग, उनकी स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार दिया है। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, ओडीओपी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने लगाया है जी। उस ओडीओपी में जो रोजगार सृजित हुए हैं, हम लोग ये नहीं डंका पीटते हैं कि नहीं सिर्फ हम सरकारी नौकरी दे देंगे सबको। सरकारी नौकरियां तो हम लोगों ने चौराहे चौराहे पर नियुक्ति पत्र बांटा है, माननीय विधायक, माननीय सांसद और मंत्री मंत्री जी लोगों ने, इसमें तो सपा सरकार हमारे ऊपर आरोप ही नहीं लगा सकती है। हाँ, उसके बाद भी अगर इनके ऊपर चश्मा हो तो ये आरोप लगा सकते हैं, नहीं तो हर जिले पर, तहसील पर हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक, मंत्री सांसद जी, इन लोगों ने वहां पर नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटा है जी। जो सिपाही की भर्ती की घोटाले होते थे इनके सरकार में, सपा सरकार में, उनको भर्तियों को निरस्त कराने के बाद हम लोगों ने 1,21,000 नियुक्तियां सिपाही में किया, 1,37,000 भर्तियां हम लोगों ने पुलिस विभाग में किया है, 1,21,000 हम लोगों ने बेसिक शिक्षा में भर्ती की है। हमारे पास आंकड़े हैं सारे कि हमने कहां कहां भर्ती किया है। आंकड़े पेश किए जा रहे, क्या कहेंगे इस पे? आंकड़े पेश कर रहे हैं जी। वो आंकड़े अश्विनी भाई के सामने, वो निश्चित रूप से सरकार का बचाव करेंगे और उनको करना भी चाहिए। दरोगा भर्ती की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई। मैंने पुलिस सिपाही भर्ती में 35,568 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका मामला उठाया कि 1.5 साल से वो सड़कों पर भटक रहे हैं। किस तरीके से सहायक शिक्षक भर्ती का, अभी मनरेगा की बात, मनरेगा में पंजीकरण हुआ,
लेकिन सरकार को, सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है कि उसमें आपने उस आपदा काल में जो पंजीकरण हुआ उसमें टर्नअप कितना हुआ, जिन लोगों का पंजीकरण हुआ वो काम पर कितने लोग आए, नहीं आ पाए, वो जिस योग्य थे वो उनको काम नहीं मिल पाया, 40 लाख कोई सरकार चर्चा नहीं करती। आपने रजिस्ट्रेशन को आंकड़ा बना लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सदन में लिखित जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे बेरोजगारी दर के मामले में सबसे भयावह है और यह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। ये जावेद नहीं कह रहे हैं, ये अखिलेश जी नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जिम्मेदार श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद जी इस बात को कह रहे हैं और सदन के अंदर लिखित जवाब देते हुए उसको पटल पर रखा जाता है। तो इसको भी क्या आप झुटला देंगे, जैसे आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को झुटला दिया कि ये रिपोर्ट फर्जी है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर, और ODOP की जो बात की, भदोही का कालीन उद्योग किस स्थिति में पहुंच गया, और ये ODOP ये ऑलरेडी एक बड़े लंबे समय से अपने आप चल रहे हैं जिसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब जिलों के जो उत्पाद है उस पर अपनी ब्रांडिंग करना चाहती थी, योगी जी अपना नाम अंकित करना चाहते थे। आपने क्या किया कि 4.5 वर्षों में कालीन उद्योग की स्थिति कहां पर पहुंच गई है, बनारस का साड़ी उद्योग कहां है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग की 50% से अधिक इकाइयां बंद हो गई है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग कहां पर खड़ा हो गया, आज वो पीतल नगरी से कौन सी नगरी में तब्दील हो रहा है। आपको इनका भी, लखनऊ का चिकन उद्योग कहीं मत जाइए, लखनऊ का चिकन उद्योग लखनऊ के अगल बगल के जनपदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देता था। आपके तो एक मंत्री भी चिकन व्यवसायी हैं, चिकन कपड़े के, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, उनका पुश्तैनी कारोबार है, आज चिकन उद्योग कहां पर खड़ा है। सरकार ने चिकन उद्योग को, कालीन उद्योग को, आपने खलीलाबाद के, बस्ती के, अंबेडकर नगर के, आपने जो है हैंडलूम उद्योग को, अश्विनी जी, बीजेपी रेडी पटरी वालों को भी आगे बढ़ा रही है, रोजगार देने का मौका दे रही है, लेकिन इस तरह से सपा की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पे? शिखा जी, विडंबना यही है कि आप समाजवादी पार्टी के लोग आरोप ही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और इनके आरोपों में ही एक सच्चाई छुपी होती है। सच्चाई मैं बता रहा हूं कि जो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप आगे बढ़ा देते हैं। हमारे जावेद भाई ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य से शुरू किया जी, 24 करोड़ का देश है, क्या ये 5 साल में ही ये रोजगार बेरोजगारी बढ़ी है? उसके पहले 5 साल में आप लोगों ने तो सबको कलेक्टर बना दिया था, सारे जो है डिप्टी सब इंस्पेक्टर लगे हुए थे, उसके बाद ये 5 साल में 4.5 साल में बेरोजगारी बढ़ गई है। दूसरा, ODOP की बात हमने की, उस पर भी इन्होंने आरोप लगाया, आपने शिखा जी ध्यान से सुना होगा, ये बड़े पहले से चल रहे थे जी। और भाजपा इसकी ब्रांडिंग कर रही है। अरे भाई, एक उदाहरण मैं देता हूं शिखा जी, बस्तर छत्तीसगढ़ में है एक जगह जी, जहां की महिलाएं बांस से साड़ी बनाती हैं, वो वही बनाती हैं और वही लोकल मार्केट में बिक जाया करता है। कहीं से हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी को वो पता चला, दिख गया, उन्होंने कुछ साड़ियां मंगाई और मार्केट में किसी के थ्रू लगवाकर उसको बिकवाने का काम किया जी। अच्छा रिस्पांस मिला, उन्होंने वहां जाकर, उत्तर प्रदेश की सांसद है तो देश की, लेकिन उसको उठाकर इस समय बांस की साड़ियां विदेशों में जा रही हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं। ब्रांडिंग करना, गांव में लोग गाना गाते हैं, उस गाने को कोई सिनेमा में अगर बजा देता है जावेद भाई, तो वो मशहूर हो जाता है। हमारी माताएं, आपकी माताएं सबकी गाना गाती थी शादी ब्याह फंक्शन में, लेकिन उसको उठाकर अगर फिल्मों में बजवा दिया जाता है तो ब्रांडिंग हो जाती है। तो आप लोगों ने उन लोगों को ऐसे ही निरी छोड़ दिया था, जिसको आपने माना है कि बहुत पहले से था ODOP, आज हम लोगों ने सबको उठाकर बेहतर करने का काम किया है। और कहां की बात कर रहे हैं, खलीलाबाद चलिए, संडे को कितना बड़ा बाजार लगता है, कहां से आता है हैंडलूम, सारे क्षेत्र के टांडा से लेकर वहां तक संडे, हर संडे को लगता है, और व्यापारी पूरे देश से आते हैं। हम और आप दोनों सब वहीं के रहने वाले हैं, उसी इलाके के, जावेद भाई कहने सुनने की बात नहीं है। भदोही का कालीन उद्योग जो मर रहा था आपके सरकार में, सुन लीजिए जावेद भाई, सुन लीजिए, भदोही का कालीन उद्योग आपकी सरकार में मृतप्राय हो गया था,
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। हमने तो कोरोना काल में अभी देखिए शिखा जी ने कहा रेहड़ी पटरी वाली बात की इन्होंने, हमने तो उनको भी रोजगार 10,000 रुपए से लेकर और उनको लोन देने की भाई आप अपना रोजगार कर सके अपना परिवार पाल सके। हमने चतुर्दिक विकास की बात की है, हमने एक जाति एक धर्म एक मजहब की तुष्टिकरण की बात नहीं की है कभी। समाजवादी पार्टी सिर्फ और MOI फैक्टर पर चलती है, दूसरे लोगों को न रोजगार देना है और न कोई धर्म वो करना है। कोई भी काम अगर करे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी पर चल रहे हैं और उसी पर आगे चलते रहेंगे और अपने 24 करोड़ उत्तर प्रदेशवासियों को खुशहाल करने की दिशा में ले जाएंगे। जावेद जी जब आपकी सरकार थी तो जो रोजगार की दर थी बीजेपी ने उसको पीछे छोड़ा आगे बढ़ाया जो कि आंकड़े बताते हैं, आप क्या कहेंगे? अभी भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है कि 4.5 साल में उतने रोजगार नहीं दिए गए, अभी भी कई लोग हैं जो भटक रहे हैं। मैं भी इससे सहमत हूं कि कई लोग हैं जो आंदोलनरत हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप आंकड़े के तौर पर बात करें। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर तो भदोही के कालीन उद्योग का निर्यात लगभग 13,000 करोड़ रुपए का था। आज की स्थिति क्या है? आप कहेंगे कि आपदा काल था कोरोना काल था, लेकिन कोरोना काल के पहले निर्यात क्या बचा था? आपने किस तरीके के कानून बनाए, किस तरीके की व्यवस्था की कि भदोही का कालीन उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का वो प्रदर्शन और वो निर्यात नहीं कर पाया जो उसके पूर्व में हो रहा था। फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग जो इस देश के अंदर किसी भी जात धर्म संप्रदाय की हमारी बहन बेटियां हो, वह एक सुहाग नगरी के रूप में जानी जाती थी, आज वहां पर 50% से अधिक का जो कल कारखाने थे जो चूड़ी के उत्पाद यहाँ पर होते थे वो क्यों बंद हो गए? सवाल इस बात का है। आप कहने के लिए कुछ कहने, आपने कहा ब्रांडिंग, ब्रांडिंग आपने उत्पाद की नहीं की, ब्रांडिंग आपने ये की कि ये योगी जी के कारण ये ODOP योजना जो है साकार रूप ले रही है। ये बेरोजगारी दर पे जरा बोल दीजिए 17% से 5% जो आ गई है। था हमारा निर्यात घटा क्यों इस शासन में? हमें सवाल तो इस बात का है कि निर्यात अगर घटा है तो निश्चित रूप से जब मांग घट गई है तो तमाम कारण रहे होंगे। कितने कालीन उद्योग जो है भदोही के अंदर बंद हो गए। आप टांडा की बात कर रहे हैं, आपने हैंडलूम उद्योग पर किस तरीके से जो फिक्स चार्ज पर एक लूम चलता था आपने उस फिक्स चार्ज को उसी तरीके से हटाया, उसको भी आपने उसकी सब्सिडी खत्म की, उससे बिजली का दाम किस तरीके से वसूला, जैसे किसान को मारा ऐसे ही आपने बुनकर को उत्तर प्रदेश के मारने का काम किया। आप कोई उद्योग नहीं बचा पाए। और जहां आपने कहा मुद्रा योजना की बात, मुद्रा योजना में भी इसी मलिहाबाद के एक व्यक्ति का जो है डाला गया था ट्विटर पर कि इसको इतना लोन मिला, लेकिन क्या हुआ? आप आंकड़ों पर बात करिए ना मलिहाबाद और उसमें आप गलत तथ्य मत पेश कीजिए जावेद भाई। तो फर्जी वीडियो अगर शेयर करना पड़ रहा है सरकार में बैठे हुए लोगों को तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है। मैं एक बात मानता हूँ कि प्रयास होने चाहिए, जब आप लोक संकल्प मुद्दे पर लौटते हैं काम तो दोनों तरफ से किया गया है, लेकिन हम मुद्दे पर लौट रहे हैं जावेद जी, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। और अब मैं अश्विनी आपसे सवाल करूंगी। अश्विनी जी, 2 साल से रेलवे ग्रुप डी की बात करें, नीट की बात करें, नेट की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो पोस्टपोन होते जा रहे, डिले होते जा रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब अभ्यर्थी एग्जाम ही नहीं देंगे तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए शिखा जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं उस चीज को, मैं जावेद भाई की तरह कुतर्क नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये नहीं हुए। मैं कह रहा हूं, मैं देश में आज जो है 1-2 साल में जो कोरोना का काल आया इसमें काफी रोजगार गया है, मैं मान रहा हूं। उत्तर प्रदेश के तथ्य CMII का जो आंकड़ा है 17% समाजवादी पार्टी की सरकार में था और आज 6% का है। नहीं, अगर तो ये अंतर सरकार है, में रोजगार की कमी थी तो आपको सुधारना था, क्योंकि आपने कहा था कि हम आएंगे रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन जी 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 अभी भी मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ। जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने रोजगार के लिए कहा था कि हम रोजगार देंगे जी, हमने बढ़ाना शुरू किया, अभी भी हमारी रोजगार प्रक्रिया चल रही है और भर्तियां अभी भी चालू है। ऐसा नहीं है कि हमने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है, भर्ती प्रक्रिया जो भी है एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई बेईमानी कोई शैतानी नहीं हो रही है कहीं,
पिछली सरकारों की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी भर्ती प्रक्रिया हो रही है। कोई लड़का बता दे कि एक रुपया देकर उसकी भर्ती हुई हो तो ये सरकार मान जाए। कहीं की भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कई कई जगह पूछा गया है, रेंडमली पूछा गया, लेकिन कोई नहीं कहता कि रुपया देकर भर्ती हो रही है। उनकी एज निकल जा रही है तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए ये कुछ मैं इस चीज को मैं मानता हूं कि कुछ चीजें जो है देरी हो रही है, लेकिन उस हर देरी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसा नहीं कि एज निकल जा रही है तो भर्तियां जो है सरकारी प्रक्रिया है आज से नहीं चली आ रही है। ये तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है दो दो तीन तीन साल लेट हो जाया करती थी, पीसीएसजे की परीक्षाएं दो दो तीन तीन साल लेट हो जाती थी, उसमें आज की नहीं, ये तकनीकी की प्रक्रिया है। वो दौर अलग था, लेकिन हम लोग कोरोना को देखते हुए आए हैं जहाँ पे जिन लोग पास रोजगार था वो भी चला गया है, और अब जो छात्र है जो युवा है वो अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे। अभी भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं पात्र हैं अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टंकियों पे चढ़े जा रहे। कैसी इतनी तस्वीरें सामने आई है, उन लोग की कौन सुनेगा? क्यों सरकार सुध नहीं ले रही अश्विनी जी? टंकी पर तो पंजाब में भी लोग चढ़ रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। लेकिन ये हम कहेंगे कि कोरोना अभी एक साल नहीं हुआ, कोरोना गए जी। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा टीका लगाकर अपने यहाँ के लोगों को सुरक्षित कर रखा है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने पता नहीं लगवाया, जावेद भाई ने लगवाया कि नहीं, क्योंकि इनके नेता तो कहते हैं भाजपा की है बाद में लगवाएंगे, तो यही लोग जो बचे हुए हैं समाजवादी वाले ही नहीं लगवाए हैं। आज हम अव्वल हो रहे हैं कोरोना के बाद भी, आज हम रोजगार देने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। हमने शून्य पैसा खर्च किया है जी। तो क्या कह रहे हैं जावेद भाई, टीका लगवाया कि नहीं लगवाया आपने? आप मैंने तो लगवाया, आपको दिखाऊं, इस देश में तो वैक्सीनेशन हमेशा हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन जिस तरीके से इस सरकार ने किया, क्या इस तरीके से पहले कभी हुआ है कि प्रधानमंत्री प्रचार जीवी बन जाएंगे? बिना प्रचार के उनका काम नहीं चलता। जावेद जी, हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको फाइनल आंसर चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसको पूर्व से मालूम था। जब वो वादे कर रही थी, जब वो वचन दे रही थी, उसको नहीं मालूम था कि इस देश की जनसंख्या क्या है, उस देश की जनसंख्या में वो कितना रोजगार दे सकती थी। उसके बजाय उसने क्यों लॉलीपॉप दिया, क्यों 5 साल में सपा सरकार ने कितना दे दिया भाई, आप बताइए तो, उसको तो आपने बताया नहीं। तो स्पष्ट हो गया, एक भी भर्ती पारदर्शी नहीं हुई है। लोग किस तरीके से सड़कों पर धरना देने के लिए विवश है, नौजवान किस तरीके से लाठियां खा रहे हैं, किस तरीके से जेल जा रहे हैं, हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, और वो लोगों की आयु निकलती जा रही है। बिल्कुल जावेद जी, मैं भी यही कह रही हूँ। अश्विनी जी, मेरे भी यही सवाल है, क्या कहेंगे? मैं फाइनल आंसर चाहती हूँ, जो पात्र है उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? बेचारे जितने भी लोग सड़क पर इस वक्त बैठे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, उम्र निकले जा रही है पढ़ पढ़ के, लेकिन उनकी ना परीक्षा हो रही है ना ही वही भर्ती के लिए बैठे हुए हैं, वो अपनी भर्ती की इंतजार में बैठे हुए, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब देखिए वो कौन लोग हैं और क्यों बैठे हैं ये सबको पता है। सरकार की भर्तियां जारी है, सरकार की उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्निकल कारण है, कोई कोर्ट में मुद्दा है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जावेद भाई ने अभी पूछा हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं अब कोर्ट के मुद्दे में सरकार क्या करेगी? शिखा जी, अगर कोई मुद्दा कोर्ट में है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसमें कोर्ट का फैसला आएगा, सरकार उसको मान लेगी। अगर कोर्ट का मुद्दा है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है, मैं कह रहा हूँ पहली बार, आप हमेशा अंडरलाइन करके कह रहा हूँ उस चीज को जी, क्योंकि सरकार किसी भी अभ्यर्थी जी जी जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं उनके लिए क्या सरकार कदम उठाएगी? हाँ, उनके 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 लिए हर विभागों को निर्देशित किया गया है जल्दी जल्दी। आप लोगों ने कुछ दिन पहले के अखबारों में भी पढ़ा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की थी, उसमें सारे विभागों को कहा गया था जो जहां पर जैसे भर्तियां होनी है परीक्षा जल्द से जल्द कराकर, और लगभग 1 लाख लोगों की इस साल भर्ती करने के निर्देश भी दिए गए थे, 1 लाख के आसपास पद हैं उसको भर्ती किया जाए और उनको जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को लागू किया जाए। तो प्रक्रिया वो है अभी मेरे पास, उसमें क्या कहते हैं यूपी पीटीआई, और उसमें क्या कहते हैं पीटीआई का था, यूपी पीएचई का था, इंफ्रा इंस्ट्रक्टर की भर्ती का जिलेवार भर्ती हो रही है, बलिया में 356 पद थे। सरकार
सर जल्द से जल्द ध्यान दें, क्योंकि तीसरी लहर भी आ रही है कोरोना की, उससे पहले ही एग्जाम होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी जी और सपा से जावेद अहमद जी जुड़े थे। तो सरकार को बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए, हालांकि सरकार ध्यान दे रही है, कई योजनाएं ला रही है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पात्र युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है, सरकार तक आवाज नहीं जा रही है। और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों की आवाज भी हम सरकार तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।